अंबाला में भाजपा द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री ओपी धनखड़, राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज, राज्य मंत्री नायब सैनी व अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया ने हिस्सा लिया। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा कि हरियाणा के पास इतनी खाद है कि वो यूपी और पंजाब को दे सकता है। विपक्ष किसानों को लेकर लगातार राजनीति कर रहा है, कई तरह के सवाल भी सरकार पर खड़े किए जा रहे हैं, जिसको लेकर अंबाला के साहा में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मंच से बोलते हुए कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस को जमकर घेरा और कहा कि कांग्रेस के समय में खाद तक की कमी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हरियाणा के पास इतना खाद है कि वो हरियाणा और पंजाब तक को दे सकता है। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने अंबाला में किसान सम्मेलन के दौरान कहा कि हरियाणा में किसानों को फसल खराब होने पर सबसे ज्यादा मुआवजा दिया जाता है। पिछली सरकार की तरफ से 2-2.5 रुपए का मुआवजा दिया गया, लेकिन हमने कम से कम मुआवजा 500 रुपए तय किया। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने पिछली सरकारों पर इस दौरान बोलते हुए कहा कि हुड्डा व चौटाला सरकार के कार्यकाल को मिला दिया जाए, तब भी इन सरकारों ने इतना मुआवजा नहीं बांटा जितना मुआवजा हमने बांटा है। कम से कम 500 रुपए करना चाहिए, चाहे किसी का एक खुद हो, एक एकड़ में चाहे 100 हिस्सेदार हो, 500 से कम नहीं देंगे।